दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे इस लिथियम आयन बैटरी में और इस लीड एसिड बैटरी में कौन सा सस्ता है और कौन सा ज़्यादा लंबे समय तक चल सकता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने अपने लिए एक लिथियम आयन की बैटरी पैक बनाया था, जो कि मैं अपने एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर भी रहा हूँ और उसी के बाद ही मैं आपको ये रिज़ल्ट बता रहा हूँ। वीडियो ज़रूर लेट रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो मैंने गेन कर लिया है, उसके बाद ही मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे मैंने अपने इस लिथियम आयन बैटरी के पैक को बनाया था, जिसमें टोटल 15 बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है और साथ में एक BMS का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसे एक बैलेंस वे में चार्ज कर सके, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज अगर बैलेंस नहीं रहती हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, डिग्रेड हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि सस्ती लिथियम आयन की बैटरी होती है या फिर लीड एसिड की बैटरी होती है। तो आप सभी को पता होगा और हर जगह पर ये ह्यूमर होता है कि जो लीड एसिड बैटरी होती है वो सस्ती होती हैं, लेकिन उसकी लाइफ कम होती है, और लिथियम आयन बैटरी जो होती है वो महंगी होती है, लेकिन इसकी लाइफ लीड एसिड बैटरी से 4 गुना या फिर 3 गुना के आसपास ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले थ्योरेटिकल टाइप में हम लोग समझेंगे कि आखिर इन दोनों के प्राइस में डिफरेंस कितना आता है। पहले ही मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये एक 5Ah की बैटरी है और ये 11Ah की बैटरी है, तो दुगने से भी ज़्यादा का अंतर है इस बैटरी में। दोस्तों आपको मालूम होगा कि अगर आप कभी भी अपनी बाइक के लिए बैटरी खरीदने जाते हैं तो 5Ah की बैटरी एक्साइड कंपनी की लीड एसिड में आपको करीब 1200 रुपये की मिल जाती है। कई बार तो जो शॉपकीपर होता है वो और भी ज़्यादा चार्ज करता है, लेकिन 1200 रुपये में आपको केवल मिलते हैं 5Ah, ठीक है, केवल 5Ah आपको मिल रहा है 1200 रुपये में। लेकिन वहीं अगर जो मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है टोटल 15 बैटरीज, तो 15 बैटरी अगर मैं ले लूँ, और अगर आप इसे इंडिया मार्ट पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर ये करीब 70 रुपये का है, 70 रुपये में आपको वहाँ पर मिल जाएगी। एक और ऑप्शन मैं आपको बताऊँगा जहाँ से आप भी इसे सस्ते में परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए 15 बैटरीज मैंने 70 के हिसाब से ले लिया, तो मुझे पूरे खर्च जो आए वो आए 1050 रुपये। ये हो गया हमारा बैटरी का प्राइस। इसी के बाद हमें अब लिथियम आयन बैटरी है तो 3S BMS भी चाहिए होगा, जो कि अभी करेंट टाइम में हमारा 300 रुपये में चल रहा है, एक 3S BMS 10 एम्पियर वाला, और टोटल जो इसका प्राइस निकल करके आता है वो है 1350 रुपये, वो भी 11Ah के लिए। दोस्तों ये टोटल 1350 रुपये 11Ah के लिए। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं कि कहाँ 1200 रुपये में हमें 5Ah मिल रही है, जिसकी लाइफ साइकिल करीब करीब 300 होती है, यानी 300 बार, 350 बार वो चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है, उसके बाद वो ख़राब हो जाती है। लेकिन लिथियम आयन में क्या होता है कि ये करीब करीब 1500 से 1500 बार आप इसे चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, जो कि इसकी लाइफ करीब करीब 4 से 5 साल 6 साल तक जा सकती है। लेकिन लीड एसिड बैटरी जो होती है वो 2 साल के बाद डिग्रेड होने लग जाती है, और फिर उसके बाद उसका जो बैकअप होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब मान लीजिए आप इंडिया मार्ट से या फिर दिल्ली से परचेज नहीं कर सकते हैं, 70 रुपये में आपको इंडिया मार्ट में और दिल्ली में भी, या फिर और भी जो बड़े शहर हैं, वैसे मेरे तो बहुत छोटा शहर है लखनऊ, दिल्ली, ऐसे बड़े शहरों में आपको ये 70 रुपये में एक बैटरी मिल जाएगी, और अगर आप वहीं पर रहते हैं तो BMS आपको 300 की जगह पर 150 रुपये का या 100 रुपये का भी मिल जाएगा। जी हाँ, मिल जाएगा। तो ये प्राइस 1300 रुपये की जगह पर घट करके करीब करीब 1100-1000 रुपये के आसपास आ जाएगी, 11Ah, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये है वो प्राइस जिसमें ये मुझे पड़ा है, 1350 रुपये में 11Ah। और अगर आप इसे चाहें तो ख़रीद सकते हैं अमेज़ॉन पर या फ्लिपकार्ट पर, जब सेल आती है तो आपने देखा होगा कि कई बार 10,000 mAh की एक पावर बैंक होती है, और उसे अगर आप परचेज करते हैं तो वो करीब करीब 299 की मिल जाती है, 10,000 mAh की, ठीक है, यानी 10Ah की, 10Ah की 5 बैटरीज, 2,000 mAh की हर एक बैटरी होती है वहाँ पर। यहाँ पर जो बैटरीज मैंने यूज़ किया दोस्तों वो है 2.2Ah की, 2.2Ah में तब जाकर के मैंने 15 बैटरीज का इस्तेमाल किया, तो जाकर के ये 11Ah बना हुआ है। और अगर यहाँ पर देखते हैं तो 300 रुपये में आपको 2000 mAh की, यानी 2Ah की, आपको 5 बैटरीज मिलती हैं 300 रुपये में, यानी कि 300 रुपये में आपको मिल गया
पांच बैटरीज, और आपको 15 बैटरी चाहिए तो 3 तरीका 900 रुपये, 900 रुपये में आपको ये 15 बैटरीज मिल जाएंगी। लेकिन ये जो प्राइस है दोस्तों, ये प्राइस आपको केवल सेल के दौरान ही मिल सकता है, ये प्राइस 300 रुपये वाला, तो ये प्राइस आपको सेल के दौरान मिलेगा, इसीलिए इसका इंतज़ार आपको मैंने करने के लिए कहा था। तो 900 रुपये में हमें 15 बैटरीज मिल सकती हैं सेल के दौरान। अब इसी में हम लोग BMS का प्राइस जोड़ लेते हैं, तो 900 प्लस 300 हमारा आ गया 1200 रुपये। तो 1200 रुपये में आपको अगेन 11EH मिल जाएगा। तो अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि 1200 रुपये में 11EH मिल सकता है सेल के दौरान। सेल के दौरान आपको ये 300 रुपये का जो BMS है वो करीब करीब 240 रुपये का मिलेगा, जो कि मुझे 240 का पड़ा है। अभी सेल जा चुकी है, सेल आने वाली है, तो इस बीच आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन, ये पावर बैंक लेकर के और BMS लेकर के, तब ये आपको और सस्ता पड़ सकता है, लगभग 1200 रुपये के आसपास तक। वहीं अगर आप दिल्ली जैसे शहर में हैं तो ये आपको इस प्राइस में पड़ेगा, 1350 रुपये में। तो हो सके तो सेल का इंतज़ार कीजिए, नहीं तो फिर दिल्ली मुंबई में है तो वहाँ से ले लीजिए। अगर आप लिथियम आयन की बैटरीज ऑनलाइन अमेज़ॉन पर लेना चाहते हैं तो भूल जाइए, वहाँ से गलती से भी मत लीजिएगा, वहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। तो आई होप दोस्तों अब आपके मन से ये मिथ निकल चुका होगा कि आखिर कैसे लिथियम आयन की बैटरी सस्ती होती है। यह सस्ती होती है कुछ फैक्टर्स तक, अगर आपको शॉप से सही प्राइस में बैटरीज मिल जाएँ तो।